बताना चाहती हूँ। पिछले सारे जिला परिषद के इलेक्शन में क्या होता है कि एक आदमी उम्मीदवार बनता है और वो जो उम्मीदवार बनता है अध्यक्ष के लिए, उसके पास जो जीते हुए बंदे हैं कोई 25 लाख मांगता है, कोई 40 लाख मांगता है और रिश्वतों में उसको वोट देता है। बात सही आप लोग जानते हैं ना कि होता है। अब ये बताओ कि कोई मुझसे पैसे मांगे कि हम वोट आपको दे दें पैसे के बाद, तो मैं उस समय मजबूरी में कुछ चीज बेच करके उसको पैसा दे दूंगी, लेकिन उसके बाद अगर उसने कभी कोई मांग की अपने क्षेत्र के लिए कि सड़क मेरे लिए बनाओ या बराज कर बनाओ, तो मैं उसको जूता दिखाऊँ। सही है बात। इसलिए जिला परिषद का अध्यक्ष मैं चाहती हूँ इस दफा बन जा मेरी मर्जी का, लेकिन बिना रिश्वत के। सही है बात। उसके बदले में जो जीतता है उसको एक पर्चा मिलेगा और पर्चे पर लिखा होगा कि मैं वायदा करता हूँ आपके लिए 50 पैसे, इतने बरात घर, इतने स्कूल के कमरे, इतने तालाब की सफाई, इतने जो भी क्षेत्र के, इतने पुलिये की। अगर वो पर्चा मिलता है तो फिर आपके सारे गांव का कल्याण होता है कि नहीं होता है? जो